नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संकेत और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एसके टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिग कैश एप्लीकेशन से KYC ओ कर सकते, आप कैसे बिग कैश एप्लीकेशन से जो आपका मनी है उसे रिडीम करने के लिए KYC की क्यों जरूरत होती है, KYC का मतलब क्या है और बिग कैश एप्लीकेशन आपसे क्यों KYC करवाना चाहता है, मैं आपको इन सब की डिटेल से वो बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बिग कैश एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेता हूँ। बिग कैश एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज है, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते कुछ लोडिंग हो रहा है और जैसे ही ये 100% हो जाता है तो हमारा बिग कैश एप्लीकेशन है ओपन हो जाता है। जैसे बिग कैश एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज है, वो यहाँ पे आ जाता है। ऐसा पेज आ जाने के बाद जैसे आप रिलायंस पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप गेम खेल सकते और यहाँ पे न्यू अपडेट है वो यहाँ पे भी आ गए हैं। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और रिडम बटन को प्रेस कर देता हूँ, तो जैसे रिडम बटन को मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको KYC रिक्वायर्ड ऐसा ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं यू नीड टू कम्प्लीट KYC, आपको जो आपके पैसे है वो आपके बैंक अकाउंट में, पेटीएम में, फोनपे या किसी भी एप्लीकेशन में, या आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते तो उसमें भी आपको KYC वो करवाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको KYC का फुल फॉर्म में वो बता देता हूँ। KYC का फुल फॉर्म में नो यूअर कस्टमर, मतलब बिग कैश को पता होना चाहिए कि उसके कस्टमर कौन है, बिग कैश एप्लीकेशन में कौन कौन गेम खेलने आ रहे हैं और कितना पैसा है वो रिडम कर रहे हैं, गेम से कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, मतलब नॉर्मली खेल रहे हैं या हैकिंग का सारा ले रहे हैं, ये सब डिटेल्स है वो बिग कैश को भी पता चलने वाली है। बिग कैश एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग एक ही नाम से कई सारे बिग कैश अकाउंट बना लेते हैं और उसमें भी एक दूसरे को रेफर करके अपने नंबर से उसको रेफर अर्निंग वो मिल जाती है, तो ये भी बंद होने वाला है। या फिर आप देख सकते हैं KYC में आपको यहाँ पे पैन कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका नंबर देना होगा या उसकी फोटोग्राफ है वो आपको KYC में देनी पड़ती है। तो जैसे आप फोटोग्राफ या नंबर दे देंगे जो आपके बिग कैश के 4-5 अकाउंट होंगे वो भी बंद हो जाएंगे और सिर्फ आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो ही चालू रहेगा। तो इसी बिग कैश एप्लीकेशन में KYC की जरूरत है, तो आप KYC कर लेना। तो अब मैं आपको बिग कैश में KYC कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो सिंपल सा, आप जैसे रिडम बटन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको KYC रिक्वायर्ड ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल सा आपको प्रोसेस इस वाले बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रोसेस वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ यहाँ पे लोडिंग होगा और फिर से न्यू विंडो है या न्यू स्लाइड है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका फुल नेम है वो यहाँ डालना होगा, फुल नेम आपको वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पे अवेलेबल है, वही आपको स्पेलिंग टू स्पेलिंग चेक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैन नंबर और यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड का फोटो है वो ये अपलोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो मेरा वाला नाम है वो यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो बर्थ डेट है वो यहाँ डाल देता हूँ और पैन नंबर डाल के यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो है वो भी अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे मैं फोन, तो यहाँ पे मैं डिटेल से वो फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो फोटो अपलोड करने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कैप्चर और गैलरी। यहाँ से आप डायरेक्टली कैप्चर में जाके फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं और अगर पैन कार्ड का फोटो आपके गैलरी में होगा उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है वो आपको सिर्फ आपके जो पैन कार्ड के फ्रंट पेज है वो ही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फोटो है वो यहाँ अपलोड कर दिए। तो सिंपल सा आपको सबमिट इस वाले बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप सबमिट इस वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका जो KYC है वो कम्प्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो आपने बिग कैश एप्लीकेशन में जो KYC अभी की है उसे अपडेट होने में कुछ टाइम है और लग सकता है, और उसके बाद जो आप पैसे वो रिडीम कर सकते हैं, या कभी कभी जो अपडेट है या कभी कभी जो बिग कैश KYC वो जल्दी ही हो जाती है, KYC को टाइम लगता है तो आपको रिडम करने को भी टाइम है वो यह लग सकता है। तो ये बिग कैश के ऊपर रहने वाला है कि वो KYC कंप्लीट करके कब देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे KYC पेंडिंग ऐसे हमारे सामने विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर पैन इंफॉर्मेशन हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, इट विल बी अप्रूव्ड विद इन 2 वर्किंग डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग कैश एप्लीकेशन है वो KYC अप्रूव करने में 2 दिन मिनिमम लगने वाले, तो सिंपल से आपको ओके बटन को प्रेस कर देना है
और जैसे आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रिडम का ऑप्शन है वो यह कंप्लीट हो जाएगा, रिडम का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपकी यहाँ पे केवाईसी हो जाने के बाद रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो केवाईसी का मैसेज है या जीमेल है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, और अगर आपको मेल नहीं आता तो यहाँ पे आपको फिर से रिडम वाले सेक्शन में जाके देख लेना है कि आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज प्रोसेस, जो हमारे केवाईसी वेरिफिकेशन है वो भी प्रोसेस में है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो हमारी केवाईसी है वो यह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम जो पैसे वो रिडम कर सकते। और अगर आपकी जो केवाईसी है वो किसी कारण से कंप्लीट नहीं होती तो यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर का सेक्शन मिल जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्टली बिग कैश टीम से बात करना चाहते हैं तो मैसेज अस का ऑप्शन भी मिल जाता है, डायरेक्टली मैसेज टाइप करके बिग कैश एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। और अगर आप बिग कैश एप्लीकेशन से डायरेक्टली कस्टमर केयर से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो आ गई होगी, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको बिग कैश एप्लीकेशन कस्टमर केयर से किसी बात करी उसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियोज है वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बिग कैश एप्लीकेशन की केवाईसी कैसे करती, बिग कैश की जो केवाईसी आपको क्यों करनी होगी और बिग कैश एप्लीकेशन केवाईसी करने के क्या फायदे है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत सारे बिग कैश एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।